एक सेवक ने महारानी कौशल्या के पास जाकर श्री राम के कल होने वाले अभिषेक का समाचार सुनाया तो देवी कौशल्या ने यह सुनकर सभी सेवकों को पुरस्कार बांटना शुरू कर दिया। परंतु इधर खुशी में सोए हुए राजा दशरथ की नींद में उन्हें बुरे सपने आने लगे, जिससे परेशान होकर वह सुमंत्र के हाथों श्री राम को शयन कक्ष में बुलवाते हैं और श्री राम को अपने सपने के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए तुम वधू सीता के साथ आज रात में उपवास करो और कुश की सैया पर सो। फिर महाराजा दशरथ ने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा कि बहू सीता सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन करवाइए। भगवान श्री राम और सीता ने महर्षि वशिष्ठ के व्रत की दीक्षा प्राप्त की और उनका आशीर्वाद लेकर अपना रात्रि का व्रत प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, इस बात की खबर सवेरा होने तक सभी अयोध्या वासियों में पहुंच गई थी, इसीलिए अयोध्या नगरी के सभी निवासी अपना सारा काम छोड़कर खुशी से पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने में लग गए थे। महारानी कैकई की दासी मंथरा भोर होने से पहले किसी कार्यवश कैकई के महल की छत पर आई थी। तब उसने लोगों को अयोध्या नगरी को सजाते हुए देखा तो सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी क्या खुशी आ गई है कि लोग अयोध्या नगरी को भोर होने से पहले ही सजाने लगे हैं। महारानी कैकई की दासी मंथरा उनके साथ मायके से आई थी, वह सदा ही कैकई के साथ रहा करती थी। मंथरा का जन्म कहाँ हुआ था, उसके माता पिता कौन थे, ये किसी को नहीं मालूम था। सब लोग बस यही जानते थे कि मंथरा बहुत ही चतुर्दासी है और महारानी कैकई की घनिष्ठ है। महारानी कैकई की उस चतुर्दासी मंथरा ने छत से देखा कि महारानी कौशल्या खुशी से सेवकों और दास दासियों को धन बांट रही है तो उनके मन में घोर शंका उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वह जल्दी से श्री राम की दाई के पास जाकर उनसे पूछती है कि महारानी कौशल्या लोगों को धन क्यों बांट रही है। तो उसकी दाई खुश होकर उन्हें बताती है कि आज श्री राम युवराज के पद पर नियुक्त होने वाले हैं। उस दाई का यह वचन सुनकर मंत्रा मन ही मन कुड़ गई थी, इसलिए वह तेजी से अपनी महारानी कैकई के महल में जाकर सोती हुई रानी को जगाते हुए बोली कि महारानी तुझ पर बहुत भारी आपत्ति आने वाली है। महाराजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। यह बात सुनकर महारानी कैकई ने खुश होकर मंत्रा को दिव्य आभूषण देकर खुश होते हुए कहा, तूने बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है, श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक होने से मुझे बहुत खुशी होगी। कैकई को खुश देख मंत्रा ने उसकी निंदा करते हुए कहा कि इस महान संकट में तुम खुश हो रही हो। साथ ही मंत्रा कैकई को ये भी बताती है कि याद करो, महाराज दशरथ का अत्यंत प्रेम प्राप्त करने के बाद तुमने महारानी कौशल्या का अनादर किया था। उस महारानी कौशल्या का पुत्र जब राजा बन जाएगा तो क्या वो तुमसे उस बैर का बदला नहीं लेगी। इस प्रकार मंत्रा की बात सुनकर क्रोध में भरकर कैकई बोली, मैं इस समय ऐसा क्या करूं जिससे यह राज्य श्री राम की जगह मेरे पुत्र भरत को प्राप्त हो जाए।